हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की क्वेश्चंस के आंसर बताने जा रहे हैं। तो चलिए यहां पर बिना विलंब किए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, आय व्यय खाते से ज्ञात होता है, तो अधिक या कमी, आय व्यय खाते से अधिक या कमी का हमें ज्ञात होता है। जैसे भी हम हमारे कितना आय और व्यय हुआ उससे हमें लाभ और हानि का पता चलता है ना, कि कुल मिलाकर आय अधिक या कमी की हमें जानकारी होती है। उसके बाद में चलेंगे, अंशों का हरण करते समय अंश पूंजी को नामे किया जाता है, यानी कि चुकाया गया मूल्य से। उसके बाद में अगला आता है, साझेदारी का अनिवार्य अंग क्या है, तो इसमें लाभों को बांटना ये साझेदारी का अंग है, क्योंकि जितना भी लाभ होता है वो सभी साझेदारियों को उनके अनुसार बांटा जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो लेखांकन प्रमाप 6 से संबंधित है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है, तो अनुपात विश्लेषण नहीं है। ख्याति क्या है, तो ख्याति है एक स्थाई संपत्ति जो है वो ख्याति होती है। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला है, अयाचित लाभांश जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। उसके बाद में अगला आता है, अनुपात विश्लेषण दो मदों के मध्य वित्तीय वितरण संबंधों को अभिव्यक्त करता है। वित्तीय वितरण लिखना है आपको, वित्तीय वितरण आपको इस तरह से वितरण इसमें लिखना है, वित्तीय वितरण संबंध को अभिव्यक्त करता है। अगला आता है, ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रणाम है, नहीं प्रमाण है लिखना है इसको, प्रणाम नहीं प्रमाण है, ये यहाँ गलत लिखा है, प्रमाण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंशों का हरण करने से पूर्व उसकी सूचना देना अंशधारी को जरूरी है, अंशधारी को उसकी सूचना देना जरूरी होता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में प्रतिभूति प्रीमियम प्रकृति का लाभ है, तो ये विनियोग प्रकृति का लाभ, विनियोग आपको यहाँ लिखना है, विनियोग प्रकृति का लाभ है। उसके बाद में प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यवहारों का सारांश है, यहाँ गैर लिखना है, गैर व्यवहारों का सारांश है। उसके बाद में अगला आता है, आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता होता है, क्या लिखेंगे, नाम मात्र का खाता होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर सही जोड़ी से रिलेटेड है, विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान, तो इसका है ये बैंक ऋण। और अगला है, साझेदारी की मृत्यु पर उसके हिस्से का भुगतान, ये हम यहाँ पर सेकेंड में लिखेंगे, दूसरे का आ जाएगा कानूनी उत्तराधिकारी। उसके बाद में फर्म का अतिरिक्त दायित्व, ये क्या आ जाएगा, फर्म का अतिरिक्त दायित्व जो है थर्ड है, इसका हो जाएगा साझेदार का ऋण। उसके बाद में फर्म का बाह्य दायित्व चौथा जो है वो होगा आपका, चौथा है फर्म का बाह्य दायित्व, इसको हम अभी देखते हैं क्योंकि इसमें हमने मैच करना पड़ेगा जो शेष बचा हो। उसके बाद में हमारा आता है फर्म का साझेदारी का संलेख बनाना, जो पांचवा है वो है अनिवार्य नहीं है। और चिकित्सक, अब चिकित्सक क्या होता है, ये छठा हमारा है पेशेवर व्यक्ति है। और जो बाकी बच गया है वो हमें आपको लिखाना है फर्म का बाह्य दायित्व, तो वो क्या बच गया हमारा, फर्म का बाह्य दायित्व, एक हमारा हो गया, दो हो गया, तीन हो गया है, और ये तीन, ये ततिपक्ष, ये आए हमारे यहाँ पर ततिपक्ष, ये आ जाएगा इसमें चौथे में आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है, तो प्राप्ति भुगतान की सहायता से बनाया जाता है।
कंपनी के लाभ हानि को अनुसूची के अनुसार कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है, तो थर्ड शीर्षक में दिखाया जाता है। उसके बाद में कुल लागत और कुल विक्रय के बराबर कहाँ होती है, तो जहाँ पर लाभ और हानि न हो, लाभ हानि शून्य हो, कुल ना तो लाभ हुआ हो ना ही हानि हुआ, उस स्थिति में। उसके बाद में ऋण पत्र का प्रतिफल क्या कहलाता है, तो वह ब्याज कहलाता है या लाभांश कहलाता है। और पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या कहलाता है, त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात ख्याति के मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन आधार क्या है, तो औसत लाभ होता है। और कौन सी ख्याति हमेशा बदलती रहती है, तो इसमें लिखा है चूहे के स्वभाव वाली जो ख्याति हमेशा बदलती रहती है। उसके बाद सत्य से चलते हैं। पहला है कंपनी के चिट्ठे के अधिकृत पूंजी को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है, असत्य। और वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदेनों लेनदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, ये भी असत्य है। तुलनात्मक विवरण क्षितिज विश्लेषण का एक रूप है, सत्य है। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र है, सत्य है। और अंशों के समर्पण का अधिकार अंशधारी को होता है, असत्य है। और साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता है, ये असत्य है। इस तरह से आपने देखे कि इस प्रश्न पत्र के जो हमने छोटे जो विकल्प वाले प्रश्न थे उनके आंसर आपको बताने का प्रयास किया है। और इसके बाद में इस तरह के इसमें प्रश्न पूछे गए थे, शायद आपने ये प्रश्न पत्र आपका अच्छा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो। और जो आगामी वर्षों के विद्यार्थी है उनके लिए प्रश्न पत्र मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ताकि वो देख सकें कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का आता है और उससे वो अवगत हो सके, प्रश्न पत्र के प्रारूप से पैटर्न से अवगत हो सके। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।